हमारे बीच में है जामनगर के विधायक श्री दिवेश भाई अकबरी जी। सर जी, जामनगर में इंटरनेशनल एक्सपो होने जा रहा है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? जामनगर की पहचान ही ब्रास सिटी है। मैं भी 98 से ब्रास उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ और जामनगर में पहली बार इंटरनेशनल एक्सपो हो रहा है। अब सोचो, ये एसोसिएशन फैक्ट्री ओनर्स एसोसिएशन है, उसको भी 75 साल हो रहा है और ब्रास का इंडस्ट्रीज का जो स्थापना हुआ उसको भी 75 साल हो रहा है। 75 साल के बाद पहली बार इंटरनेशनल एक्सपो हो रहा है, इसलिए मैं फैक्ट्री ओनर एसोसिएशन के प्रमुख लाखा भाई और पूरी टीम को भी ये बधाई दे रहा हूँ कि जामनगर में पहली बार इंटरनेशनल एक्सपो हो रहा है। अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई का विजन है कि एक्सपो को बढ़ावा देना और विदेश नीति के कारण आज जामनगर का ब्रास उद्योग है। आप लास्ट में 10-15 साल के अंदर देखो तो एक्सपोर्ट का ये काम है वो 5-6-7 गुना तक बढ़ गया है। इसलिए अपनी विदेश नीति और सरकार की MSME सब योजनाओं की वजह से एक्सपोर्ट को भी बहुत बढ़ावा मिला है और अपनी जामनगर की जो ब्रास की क्वालिटी है उसमें भी या CNC VMC सब मशीन आने के बाद इसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी का माल मिल रहा है। इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर जामनगर ब्रास सिटी की तरफ से बहुत फेमस हुआ है। इसलिए मैं सबको 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक ये इंटरनेशनल एक्सपो में आने का सबको मैं न्योता भी दे रहा हूँ और अपने जामनगर गुजरात राज्य और देश को भी विकास के लिए आप सब लोग इसके अंदर भाग लीजिए, इसलिए मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। धन्यवाद।